अरे क्या हुआ? केयरफुल रहना चाहिए था ना शैलू। कोई आवाज सुनी। तू भी ना सडनली साउंड सुन लेती है और डर के मारे कुछ ना कुछ गिरा देती है। इसको फियर ज्यादा है और इसको पेशेंस कम है। बी केयरफुल। हाँ हेलो राहुल। हाँ बोलो। घर में प्रेशर कुकर का दिन में एक बार इस्तेमाल होता है पर मुझ पर प्रेशर हर घंटे डालते हैं, ये कहकर कि शादी कब करोगे? तो फिर कर लो ना, प्रेशर कम हो जाएगा। तुम इंडिया में हो और मैं फॉरेन में, तुम आ सकती हो यहाँ पर? मेरा काम बाकी है, अभी नहीं हो सकता। देखो लड़कियों के लिए शादी एक ट्रेडिशन है और काम ऑप्शन, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है, पसंद हो तो वेट करो, मुश्किल लग रहा है तो कॉल कट करो। अरे वो बात नहीं है मेघा, प्लीज लिसन टू मी। मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, एक छोटा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगी। दीदी मिठाई खाइए ना। आज क्या स्पेशल है? आज मेरा बर्थडे है। पर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ आज का नहीं है ना? पर आज ही के दिन तो आप मुझे रेस्क्यू होम से घर लेकर आई थी, याद है ना? आज ही का दिन था, मैं कब पैदा हुई थी ये तो भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आकर ही मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए आज ही मेरा असली जन्मदिन है। हमेशा खुश रहना। अभी आए। पागल कहेगी। इस पेपर पर तीन त्रिभुज बनाओ। तुम थोड़ी देर बाहर बैठो। नमस्ते गुरुजी। मेरे बेटे की हालत? पाइथागोरस त्रिभुज सिद्धांत को रिवर्स कर मनुष्य एक दृष्टिकोण से खींचने वाली लकीर के मुताबिक उसकी मानसिक परिस्थिति के बारे में बताया करते थे। आपके बेटे की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है, दरअसल जरूरी चीजों को छोड़कर बेकार की चीजों के पीछे दौड़ता है। सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, फिर मिलते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तुम्हारी अभिलाषा आत्माओं पर अध्ययन, तुम्हारा अंतर्मन आत्माओं पर परिशोधन करना चाहता है। हाँ गुरुजी। तुम्हारे मन में उठ रहे सवाल, तुम्हारी उत्सुकता तुम्हारी आंखों में दिखाई पड़ रही है। जो पूछना चाहती हो वो पूछो। ठीक है गुरुजी, परेशानी और सवाल एक ही है गुरुजी। असल में क्या आत्माएं हैं? अगर हैं तो वो कौन से रूप में होते हैं? वो क्या करते हैं और उनका लक्ष्य क्या होता है? हैरानी की बात तो यह है कि कई एडवांस कंट्रीज में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम से व्यापार कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। जब फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो रहा है तो अपने देश में जो हो रहा है उसे बताने की क्या जरूरत है गुरुजी? सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए। भारतीय सांप्रदायिक विभाजन में ऐसी कई विधियां हैं गुरुजी, जैसे कि अभी आपके पास है, जो इस जनरेशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से ही मैं अपना रिसर्च अच्छी तरह कंडक्ट कर रही हूँ। आप जैसे लोगों की मदद मिलेगी तो मेरा रिसर्च संपूर्ण हो जाएगा गुरुजी। तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना गुरुजी। अधित्व में क्या है? बुद्धि। अचंचल किसे रहना चाहिए? मन को। अनमोल क्या है? सेवा। मौत के बाद क्या जीवित रहती है? प्रतिष्ठा। कन्विंस कर दिया, तुम्हारे रिसर्च को मेरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू गुरुजी। दोबारा हम कब मिलेंगे? इस सृष्टि में दो लोगों को कब मिलना है ये डेस्टिनी डिसाइड करती है, और हर मुलाकात के पीछे कोई प्रयोजन होता है। अगले माघ शुद्ध पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन हम मिलेंगे। ठीक है गुरुजी। शुभ हो।
कहाँ ले जा रही है उसे? तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी पापा का नाम क्या है? वो कहाँ रहते हैं? नहीं बता पाएगी, वो किसी चीज को देखकर शॉक में है। तो फिर इसके नॉर्मल होने का ट्रीटमेंट तो होगा ना? देखिए, इस दुनिया में हर तरह की बीमारी को ठीक करने की शक्ति और हर तरह के दर्द को भुलाने की शक्ति सिर्फ माँ के प्यार में है। अगर आप उसे दे पाए तो वो सही ट्रीटमेंट होगा। चलो अंदर आओ। क्या हुआ? उठो दीदी। भूत? क्या बोल रही हो? क्या भूत? अपना मुंह बंद रखो, ये लड़की कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। क्या हमारे साथ रहेगी? हाँ, तो अपने डर को दूर रखो और इस लड़की का ध्यान रखो। ओके, बैठो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, और जरा देखो तो कितनी प्यारी लगती हो तुम। बिल्कुल भी मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? अरे ढक्कन, यहाँ कैडबरी रखा था, तूने देखा है क्या? पता नहीं इन दिनों सामान गायब। इसे क्या हुआ? 24 घंटे YouTube में डूबा रहता है। देखो YouTube पर फालतू वीडियो देखकर ये पागल हो गया है। क्यों रे, क्या देखकर हंस रहा है? रुको भैया, आपके काम में आने वाले वीडियोस ही चेक कर रहा हूँ। कौन सा वीडियो है वो? आधी रात में अकेली रहने वाली आंटी नींद में उठकर क्या करती है जानकर चक्कर खा जाओगे। क्या करती है, क्या करती है बताओ? आधी रात में अकेली रहने वाली आंटी, वैसे भी अंकल काम से बाहर जा चुके हैं, तभी आधी रात के 2:30 बज रहे हैं, अकेली रहने वाली आंटी नींद से जगती है और सीधे धीरे से चलते हुए आगे गई, सीधे धीरे से चलते हुए आगे गई और आगे जाकर बाथरूम का डोर लपक से ऐसे खोला। ओ, उसके बाद खोल कर अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। बापरे, दरवाजा लगा कर क्या किया? बताता हूँ, धीरज रखिए, बताता हूँ। दरवाजा लगा लिया और फिर दरवाजा लगा कर ठंडे पानी से क्या किया? दरवाजा, अरे बोलना क्या की? ठंडे पानी से जाकर सो गई। हेडिंग क्या है? आधी रात में अकेली रहने वाली आंटी नींद से जाकर क्या करती है जानकर झटका खाओगे। ओहो, अरे थैली गिर गई।
चलो पेंटिंग में और तेरी कहानी में कोई संबंध है क्या? झटका खाऊंगा झटका। ठीक भाग जा, कस्टमर आ रहे हैं, सामान ठीक कर, चल जा जा। ये तो चॉकलेट चाहिए, छोड़ो ना, कहाँ पर है? हाँ, ये वो वाले चाहिए। क्या मस्त कस्टमर आई है, अब मैं क्या करता हूँ देख। क्या चाहिए मैडम? टूथपेस्ट चाहिए। छोटा या बड़ा? बड़ा चलेगा। वहाँ है। थैंक यू। एंड बाथ सोप्स? आप लक्स लेती हैं कि रेक्सोना लेती हैं? पियर्स लेंगी तो आपकी खूबसूरती और कहाँ है बता दो, काफी है। वहाँ पर है। कमाल की लड़की है भाई। कितना हुआ? 10,000 व्यूज हुए। वो नहीं पूछ रही है, बिल कितना हुआ पूछ रही है। सॉरी मैडम, 2,500 हुए। कैश और कार्ड? आप जो भी देंगी चलेगा, आपकी मर्जी, जैसे देंगी वैसे ले लूंगा, नहीं देंगी तो भी चलेगा। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? वैसे महीने में एक बार देंगी तो भी चलेगा। ऐसे ही आते रहिएगा मैडम। एक्सक्यूज मी। अरे चलो। चलिए दीदी, चलो चलो यहाँ से चलो। रुको भैया, अभी अभी नया वीडियो आया है, वही देख रहा हूँ। तेरे नए वीडियो की ऐसी तैसी मेरी जान। छी, क्या वीडियो देख रहा है तू? काम पिशाचिनी से पगला गया हुआ एक छोटा लड़का। तेरी तो भैया, अंदर जा, जाकर काम कर जा। मेरी जिंदगी बिगाड़ दी भैया। बोल छोटे। क्या है? और काय स्वाइपियल राउंडी सेंट्रियलो जिल 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 जिल। तुम लोग क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सहाय। अरे भाई, समझ में आ गया। बताइए। और काय नारियल। ओ स्वाइपियल शरबत राउंडिया दिल सेंट्रियलो। ये सब लाकर सेंटर में रखने को बोल रहे हैं। वही होगा भैया, मेरी भी समझ नहीं आ रहा। एक काम कर, इन लोगों को आर्टिस्ट अली के घर लेकर जा, वही मिनिम बताएंगे। जा 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 यहां से। सॉरी भैया। जब से आई हो तुमने कुछ खाया नहीं, दर्द में हो फिर भी कुछ नहीं बोलती। सच कहूं तो मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारा कोई है या नहीं मैं नहीं जानती। देखो बेबी, मां ना होने का दुख मैं अच्छी तरह से समझती हूं। ये हंसी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे सिरी।
तुम मेरी क्या लगती हो दीदी? माँ? दीदी माँ, दीदी माँ। क्या है? कलर्स में तुम इतनी चमक रही हो कि रिवर्स में कुछ कहने का दिल कर रहा है। हाँ, अभी क्या, अभी नहीं, आराम से प्लान करके रात को क्वार्टर नंबर 143 में आओगी तो। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, चिल्लाओ मत, बच्चे हैं ना, डर जाएंगे। हाय बेबी, क्या नाम है तुम्हारा? ओ, सीरी है ना, नाइस नेम। पेरेंट्स कहाँ है, भाग कर आई है या तुमने इसको किडनैप कर लिया? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया ना? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे अपने बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंकने वाले आज के जमाने में, चुरा कर लाई हुई बच्ची की इतनी केयरिंग कर रही हो, बहुत अच्छा। इस पर्सनालिटी पर ह्यूमैनिटी का कवर लग गया है तो बहुत सुंदर दिख रही हो। सिंगल आओगी तो मिंगल हो जाएगा, है ना? चलो सिरी, चलो सब। चलो बच्चों। अनिया अनिया, क्या है रे? भैया भैया, क्या है? और सल्पियो, राउंडियो, सेंट्रियलो, जिल 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 जिल, स्वल्प सहाय, स्वल्प सहाय, मिदम हस्त योगम ओ गंडी, ओडिया, कायो, स्वल्प सहाय, मोडियो, कांड्रियो, आयो, बैठो कांड्रियो, स्वल्प सहाय। वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं दीदी माँ? सिरी, रूल्स के मुताबिक तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना होगा। जल्द ही सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करके तुम्हें लेने आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। तब तक तुम अपना ध्यान रखना, ओके? चलो। सारी जानकारी इसमें लिखकर दस्तखत कर दीजिए। आप इसका ध्यान रखना। हाँ, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बच्ची की हेल्थ थोड़ी सी वीक है। हम देख लेंगे, बोला ना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ए, देख क्या रही हो, चलो अंदर जाओ। सिरी, कहाँ हो? चलो खाना खाते हैं। दीदी, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचना छोड़कर ऐसे लोगों के बारे में सोचना जो आपको दुखी करते हैं, जरूरी है क्या? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब था कि जो आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचिए। तुमने सही कहा शैलू, बस अपनी सिरी के बारे में सोच सोच कर किसी और की बातों से दुखी होकर सिरी को भी दुख पहुंचाती हूं। चलो आ गया। अरे, ध्यान कहाँ है? हाथ टूट चुके हैं क्या? ए, एक ही बार देते हैं, बार बार नहीं देते। चलो निकलो। सिरी, चलो। ए, ये कोई आंगनवाड़ी नहीं है जो सुबह छोड़कर शाम को लेने आ गई है। ये अनाथ आश्रम है, यहाँ के भी कुछ नियम है। ये लो। ये क्या मजाक है,
मैनेज कर लो। चलो सिरी। भैया फोन आ रहा है भैया। कुछ भी हो तो वीडियो ही देखता रहेगा। हेलो। हाय, रात को क्वार्टर नंबर 143 में बुलाया था ना, मैं आ रही हूँ, आप भी आ रहे हो ना? मुझे पता था। सुनो, सदियों से तुम्हारे दीदार का बेसब्री से इंतजार करने वाला मैं क्यों नहीं आऊंगा? सिर्फ 3 मिनट में मस्त तैयार होकर मैं वहां आ जाऊंगा। ओके। क्या है भैया? ये फालतू का वीडियो देखना बंद कर दे, दुकान बंद करके जाकर रेस्ट कर। भैया लास्ट वीडियो भैया बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, प्लीज भैया। कल अर्ली मॉर्निंग में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज बताऊंगा तुझे मैं। क्या है भैया? वेट एंड सी। मैं चला। तुम आ गई। इस घने अंधेरे में तुम्हें देखकर मेरा दिल खुशी से उछल रहा है। असल में मुझ में आपको क्या अच्छा लगा? स्टॉप इट। क्या अच्छा लगा? तुम्हारी आंखें नशीली हैं, कोहिनूर जैसा बदन है, लचकती हुई कमर है, और फिर बस बस, वो सब तो हर लड़की में होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी बीवी को ही ले लो, उल्लू जैसी आंखें हैं उसकी, एक बार बदन छू लो तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उसकी कमर में वो लचकपन भी नहीं है। वो होते हैं ना औरत के कपड़े पहनकर घूमने वाले मर्द, उनकी तरह। उसका मुकाबला तुमसे कहाँ? आईफोन के स्क्रीन से साधारण मोबाइल का स्क्रीन मुकाबला करेगा क्या? ब्यूटीफुल लड़की से रोमांस करने पर मजा आ जाएगा, वंडरफुल। डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। इस समय मिस कॉल क्यों कर रही है? कॉल बैक नहीं करूंगा तो मार डालेगी। जस्ट अ मिनट, मेरी भूतनी को फोन कर लेता हूं। फोन की घंटी यहां क्यों बज रही है? क्यों जी, किराना शॉप में ग्राहक का नाम बताकर तुम जो बकवास काम कर रहे थे वो यही है? नहीं वो तो। और क्या, मेरी उल्लू जैसी आंखें हैं, मेरा बदन देखकर चीड़ होती है तुम्हें? नहीं, मुझे माफ कर दो। अभी कौन है? हेलो भैया, डबल ट्रिपल हुआ क्या? ट्रिपल डबल हो गया रे, तू क्या कर रहा है? वही भैया, फोन पर वीडियो देख रहा हूँ। कौन सा वीडियो? बीवी के हाथों मार खाकर मस्त होने वाला पति। आप भी देखो भैया। देख लिया मैंने अभी, बढ़िया था। तू फोन रख। नमस्ते गुरुजी। सिरी, आशीर्वाद लो। आयुष्मती भावा। गुरुजी, मैंने आपके कहने पर माघ पूर्णिमा तक का इंतजार किया, जो आज ही है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। उस दिन तुम मुझसे न मिली होती तो तुम्हारे जीवन में आज का दिन ऐसा न होता। आज मुझसे मिली यानी एक और दिन हमारा इंतजार कर रहा होगा। बच्ची का ध्यान रखिएगा। हाँ। मैं अभी आई। गुरुजी, अपने मन के प्रश्नों को अब पूछ लो मेघा। गुरुजी, आत्मा असल में क्यों नहीं दिखाई देती है? वो कहाँ रहती है? ये सारा विश्व कणों के सहारे बना है, पर क्या हम कणों को देख सकते हैं? उन्हें देखने की एक विधि है। आत्माओं के साथ भी ऐसा ही है, उन्हें देखने के लिए भी विधि होती है। गुरुजी, कई दिनों से तकलीफ झेल रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। इतने दिनों बाद भगवान ने मेरी सुन ली है, मुझे इस बंधन से बचा लीजिए गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी, आप अचानक रुक गए? उस पेड़ के बंधन में रहने वाली एक छोटी सी लड़की की आत्मा बड़ी तकलीफ में है और बचाने की गुहार लगा रही है। तो फिर उसकी क्या तकलीफ है, आप सुन लीजिए ना। इस विश्व में अनगिनत आत्माएं हैं, उनकी तकलीफें हैं, अगर वो सुनने लगे तो सारी उम्र कट जाएगी। एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है। कोई छोटी बच्ची आप कह रहे हैं, ऊपर से तकलीफ भी हो रही है। उसकी क्या तकलीफ है आप जान लोगे तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए आसान हो जाएगा गुरुजी, प्लीज। जीते जी, मेरे सीने में चोट पहुंच आई है,
मरने के बाद भी मुझे यहाँ बंदी बना कर रख दिया। मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए गुरुजी। मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि न्याय भी मांग रही हूँ। मेरी तकलीफ को समझिए। गुरुजी, प्लीज गुरुजी। चलो मेघा। अब मेरी ध्वनि तरंगों से आत्मा बाहर निकलेगी। मेघा, तुम्हारे रिसर्च के एक भाग के रूप में आज मैं तुम्हें आत्मा से बात करने का मौका दूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारी तकलीफ क्या है बताओ। मेरी तकलीफ जाननी है तो मेरे अतीत के बारे में जानना होगा। सर। ये सब अच्छा नहीं है। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। तुझे भी टेस्ट करना है? इसकी बात नहीं कर रहा था। तो फिर क्या है? 6 महीने से पगार नहीं मिला है। क्या कहा? बैंक बैलेंस नहीं है क्या? हाँ है ना, बैंक बैलेंस फुल होता तो बैंक का बकाया नहीं भरते। वो नील है इसलिए तो हाथ पैर हिला रहे हैं। ये बैंक से आया हुआ नोटिस है, ये रिटर्न हुआ टेंडर है और ये ऑर्डर कैंसिल हुआ ऑर्डर है। ये देखो, ये पुलिस ने भेजा हुआ सो कॉल्ड नोटिस है। मुझे देखिए, इमीडिएटली अगर कुछ नहीं किया ना तो कंपनी को सील और आपको जेल होगी। कोई अच्छी सलाह देना। आपको श्री कृष्ण और कुचल की कहानी पता है क्या? या फिर सेल्समैन शाहरुख की करण अर्जुन देखिए क्या आपने? बताइए मुझे। नहीं देखी। ऐसी चीजें नहीं देखोगे? सलाह देने को बोला, सिनेमा की बात लेके बैठा है। गुस्सा मत होइए सर, जरा ये देखिए।
देखिए, बेस्ट बिल्डर ऑफ हैदराबाद, स्टेट की टॉप कंपनी भी इन्हीं की है, हरी कंस्ट्रक्शंस। आपके बचपन का दोस्त है, आपसे अच्छा तो मैं आपके दोस्त को जानता हूँ, वो जरूर आपकी मदद करेगा। अरे हट, उसके आगे हाथ फैलाने को बोल रहा है। अरे हाथ फैलाने के लिए नहीं, हाथ मिलाने के लिए कह रहा हूँ, आप समझ रहे ना मेरी बात को? ए जुबली, मालिक मैं हूँ लेकिन हर बार मुसीबत से बाहर तुम ही निकालते हो। उत्तम बिल्डर का अवार्ड पाने वाले हरी कंस्ट्रक्शन के मालिक सिंगम हरि प्रसाद। हरि प्रसाद, गिरी आओ यार, वहां क्यों खड़े हो? कंग्रेचुलेशंस बेस्ट बिल्डर जी। जी क्यों? अरे मुझे माफ कर दे यार, यूं ही बिन बुलाए फंक्शन में आ गया, बस माफी मांगने के लिए। अरे ये क्या बोल रहा है यार, रिश्तेदारों के बीच और दोस्तों के बीच फॉर्मेलिटीज नहीं होती, हमारे बीच नो फॉर्मेलिटीज। एक मिनट, सिरी वेनेला। डैडी आओ बेटियो। अरे यही है मेरी नसीब, मेरी खुशी और मेरी जायदाद, ये मेरी दो आंखें हैं। सिरी वेनेला, so cute। मामा जी का आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमेशा बस ऐसे ही खुश रहना बेटियां, ये लो। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। ठीक है, तुम लोग जाकर खेलो। जानकी हाँ? देखो कौन आया है। नमस्ते बहना। नमस्ते। मेरे बचपन का दोस्त है गिरी। भैया आप हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, आप बहुत बदल ऐसा चुके कुछ हो। नहीं है बहना, बस थोड़ा सा बदल गया। आप भी ना, क्या कर रहे हैं, ऐसे खड़े रखेंगे क्या? आप दोनों बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तुम हमेशा कहते थे ना, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा जिंदगी भर साथ रहता है, वहीं बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कम समय में ही हाथ से छूट जाता है। ए हरि, उस दिन भी सीमेंट में मिलावट करने से तुमने मुझे रोका था, पर मैं नहीं माना। उसी दिन मुझे एक थप्पड़ मारा होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। पर हुआ क्या? बेईमानी और धोखे की बुनियाद पर शुरू किया मेरा बिजनेस पल भर में ही टूटकर गिर गया यार। अब अपना दुख किसे बताऊं? तू ही तो मेरे बचपन का दोस्त है ना। ए, मैं तुझसे बिजनेस की कोई मदद मांगने के लिए या पैसों की मदद मांगने के लिए नहीं आया हूँ। हरि, अब मैं बदल गया हूँ दोस्त, मतलब अब से मैं तेरी राह पर, अच्छाई की राह पर हमेशा चलना चाहता हूँ। आखिर तुझे चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा गाइडेंस दे दे। तू बदल चुका है, तू ठीक से रहेगा, मैं कुछ भी करूंगा तेरे लिए, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच यार। देख बहना, मेरा यार अच्छाई का ब्रांड एम्बेसडर है। ये तुझे पति के रूप में मिला, तेरी खुशनसीबी है। हाँ भैया, ये बहुत ही अच्छे है, और अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा बहना। ए हरि, तू मुझे एक और वादा कर। लेकिन किस चीज़? नहीं, पहले वादा कर फिर बोलूंगा, चल हाथ दे, वादा कर। ठीक है वादा कर। कल तुम, मेरी बहना और बच्चे मेरे यहाँ लंच पे आओगे। बहना तुम ही साक्षी हो, इसने वादा किया है। ठीक है भैया, हम जरूर आएंगे। ये क्या है? गार्डन पार्टी। गार्डन पार्टी? अरे यार, वन भोजन की तरह फैक्ट्री भोजन समझो। चलो आओ बहना, चलना यार, बैठ बैठ यार। मामा जी, वैसे डिनर में स्पेशल क्या है? आइसक्रीम है ना, सीरी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, खाने के बाद जरूर आइसक्रीम मांगती है। अरे आइसक्रीम क्या बेटी, तुम सबके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज है। तो क्या गुलाब जामुन भी है? वेनिला को वो बहुत पसंद है। सिरी वेनिला, मामा जी तुम्हें जो चाहिए वो अरेंज कर देंगे, अब बस चुप रहो। hey, क्या है वो? सुगंध द्रव्य मेरे यार, शुभ काम से पहले इसे लेने से
सब कुछ शुभ होता है। कैसा शुभ काम? हाँ, तेरी सेवा मेरे लिए शुभ काम ही तो है। मेरी खुशनसीबी की तेरी सेवा कर रहा हूँ। भैया आप बैठिए, मैं परोस। नहीं नहीं बहना, तुम बैठो, बैठ जाओ। अपने हाथों से मैं परोसूंगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है? ए, क्या है ये? गन है यार, कभी देखी नहीं तूने? मैंने कल ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी, 60% डिस्काउंट भी मिला इस पर। लेकिन थोड़ा डाउट है, दुकान से खरीदता तो टेस्ट करके लेता, अब ऑनलाइन खरीदी है, पता नहीं चलेगी या नहीं। क्या लगता है, चलेगी ना बहना? चल रही है बहना, अच्छे से चल रही है यार। सुनो गिरी, रुक रुक रुक, सुनो गिरी को। एक तो वो चलाई, दो तीन चार पांच छह, पांच और बाकी है यार। नहीं यार, प्लीज किसी को कुछ भी मत करना, तुम्हें जायदा चाहिए ना, मैं अपना सब कुछ दे देता हूँ, बस हमें जिंदा छोड़ दो। तू बहुत शार्प है यार, हालात को अच्छे से समझ गया, तभी तो इतना बड़ा आदमी बना। ए हरी, इस पर एक अच्छा सा ऑटोग्राफ दे दे यार, तेरी स्वीट मेमोरी समझ के संभाल के रखूंगा, प्लीज यार। दो समझ कर तुझे दिल में जगा दी। थैंक यू। पर तूने वहीं पर घाव किया, भरोसा तोड़ दिया। और मैंने रिटर्न गिफ्ट में धोखा दिया ना। अब चलते हैं। हाँ, जरूर जाना बहना, बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन घर नहीं, ऊपर। प्लीज भैया, दस्तखत तो कर दिए ना, अब प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें शहर को छोड़कर चले जाएंगे। जमाना बदल गया है बहना, और जमाने के साथ चलना पड़ता है। तुम सबको जिंदा छोड़ दूं तो ये चाहती है ना? सॉरी बहना, मैं ये चांस नहीं ले सकता, ये सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, कोर्ट पहुंच जाएगा, या फिर मुझसे बदला लेना चाहेगा। ये रिस्क मुझे लेना चाहिएगा, तुम ही बताओ बहना। मामा जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों मारना चाहते हो, हमें छोड़ दीजिए मामा जी, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अच्छी जगह भेज रहा हूँ। प्लीज एक छोटी सी हेल्प कर दो, हमें मार दे लेकिन बच्चों को छोड़ दे, प्लीज। वो मासूम है गुरु। अरे यार हरी, हमारी बचपन की दोस्ती के लिए इतना छोटा सा काम नहीं करूंगा। ए, जरूर करूंगा यार, बिल्कुल करूंगा। सुनो सिरी, रहने लो, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। मम्मी मम्मी, भाग जाओ, छोड़ो। वहां पर देखते हैं, आओ। चलो। रुक।
इसी तरह मदद करने आए मेरे माता पिता को भी उसने बेरहमी से मार दिया। छोटी बच्ची हूँ ये भी नहीं सोचा, मुझे भी मार दिया। अब मेरी बहन को भी मारना चाहता है। आपको तकलीफ थी इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी सलाह दी थी आपको, लेकिन आपने आपके दोस्त को तो सीधा ऊपर ही टपका दिया। कम से कम उसकी बीवी बच्चों पर तो तरस खाते हैं आप। बहुत बड़ा पाप कर दिया, भुगतना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया ना कि मेरे दिमाग का रेंज क्या है। अरे बापरे, आपको समझना ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो। मुश्किल क्यों है? तुम्हें तो मेरी हाइट जैसा है ना। आप तो मेरा ही मजाक बना रहे हैं। ये सब क्या है? सूटकेस, गोनी, चादर लेकर तुम सब निकले हो? अरे बापरे, तू तो ट्रंक भी लेकर आ गया है साथ में। इसमें हम लोग पैसे लेकर जाएंगे भाई। मतलब खाली हाथों में कैसे लेकर जाएंगे भैया? आजकल चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारे पैसे कौन चुराने वाला है? वहाँ गवर्नमेंट कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया कहकर गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, फिर भी नोट और चिल्लर लेकर घूम रहे हो। मुझे अकाउंट नंबर दो, मैं डाल दूंगा पैसे। अकाउंट नंबर? हमारे पास फोन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहिए तो वो नंबर दे देता हूँ, ले लो। अच्छा, वो फैसिलिटी भी है आपके पास? मैं सबके अकाउंट अरेंज कर दूंगा, तुम जाकर फैक्ट्री गेस्ट हाउस में आराम करो, जाओ। भैया भैया, अब तेरे को क्या हुआ? जब हम बच्ची को ढूंढ रहे थे तो उसी समय एक बड़ी लड़की आकर उसे लेकर चली। बड़ी लड़की? हाँ भैया। अब ये बात हम सर को कैसे बताएं समझ में नहीं आ रहा। ये बात अगर सर को पता चली तो अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे, तो ये मार देंगे। हाँ, पिकअप बॉडी एकदम चौड़ी बना ली है, लेकिन दिमाग तुम लोगों के छोटे छोटे हैं। जाओ निकलो तुम लोग, मैं संभाल लूंगा। चलो। लौट आई हूँ, वापस लौट आई हूँ। अब एक केक को तोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो बस सैंपल दिखाना है, तेरी बॉस की तो धज्जे उड़ेंगी। मामा जी, आप आराम से बुलाते तो भी मैं आता ना, चिल्लाने की क्या जरूरत थी? और आप इस तरह से नीचे जमीन पर क्यों लेटे हैं? मैं जमीन पर नहीं लेटा हूं। किसी ने फेंका? किसने फेंक दिया? सुबह अपने आदमियों का कहना नहीं माना, लेकिन वो यही आत्मा बनकर घूम रही है। हे, उसका कुछ करना होगा, वरना हम सबको मार डालेगी वो। सर, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आत्माओं से खेलने वाला, भूतों को धागे से बांधने वाला और शैतान को डराने वाला एक इंसान है। कौन है वो? आइए आइए स्वामी जी, आइए। सर, स्वामी जी। ओम भीम भस, नींबू का रस। तुम सब वही हो ना जिनकी भूत के हाथों पिटाई हुई है जबरदस्त। तुम्हारी उतरी हुई शक्लें देखकर ही पता चल रहा है कि भूत ने अच्छी तरह से धुलाई की है। दरअसल मैटर ये है कि सारा मैटर पता है, नींबू बाबा हूँ मैं। एंट्री लेते ही आत्माएं कितनी भी खतरनाक हो दुम दबा कर भाग जाया करती हैं। आत्मा के वायलेंस से ज्यादा तो इसका नॉनसेंस नहीं झेला जा रहा है मुझसे। अरे रुक जाइए सर, मैं जानता हूँ कि वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जरूरत है। सिचुएशन को समझिए ना, गन अंदर रखिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। नो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जैसे हर फ्लावर का एक फ्लेवर होता है, वैसे हर बॉडी की एक खुशबू होती है। इस नींबू बाबा के बॉडी की खुशबू को सूंघते ही सारे भूत सुसू कर देते हैं। अरे नींबू बाबा, सोल को सुसू नहीं करवाना है, वो हमें सुसू ना करवा दे, ऐसा कुछ करो। कर सकते हो या नहीं पहले वो बताओ। निसंदेह कर सकता हूँ, नींबू की कसम।
पकड़ो इसे। स्वामी जी, इसे कहाँ रखना होगा? नीचे। नीचे? मतलब तकिए के नीचे। रात में सोने से पहले इस नींबू को तकिए के नीचे रखकर सो जाना। अगर सुबह तक इसका रंग बदल गया तो समझ लेना कि भूत इसमें आ गया। उसके बाद उस भूत की अच्छी तरह से खातिरदारी मैं करूँगा। बाबा, आपकी फीस? 25 एक का। क्या कहा? एक का 25 रुपए? हमारी गली में 10 के 10 मिलते हैं बाबा। 25 रुपए नहीं बालक, 25,000। आई बात समझ में? प्लस GST अलग से। सोने का नींबू लेके आया क्या? अरे सर, आप थोड़ा सा शांत रहिए। 25,000 का ज्यादा आपकी जान से। सिचुएशन को समझिए ना सर। इस हिसाब से 7 नींबू के हुए 1,75,000 प्लस GST 25,000, कुल मिलाकर हुए 2,00,000। अगर इतना दोगे तो आऊंगा, वरना। सर 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 सर, आपका अकाउंट नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ना, मैं अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके। ओम भीम भस नींबू का रस। फुस। मिल गए हैं बकरे, कमाऊंगा अब लाखों रे। क्या हुआ? मेरे इंतजार में लगता है सारी रात जगे हो। सबकी आंखें पपीते की तरह सूजी क्यों हैं? नींबू का रंग बदला क्या? बदला ही होगा। केमिकल में डुबा कर दूंगा तो बदलेगा क्यों नहीं? शोमी, चलो दिखाओ, जल्दी करो। नींबू दिया था, ये अनार में कैसे बदल गया? और ये क्या, अमरूद? ये तो नारियल है। बाप रे, तरबूज। ओहो, खरबूजा भी है, पत्ता गोभी। और तुम्हारे पास क्या है? ये तो फूल गोभी है। ये सब क्या है? अब तक मैंने अपने करियर में नींबू का रंग बदलते देखा था, फल सब्जी में बदलते पहली बार देख रहा हूँ। नींबू इनमें बदल गया, यानी आत्मा बहुत ही खतरनाक है। इसलिए तो तुझे इतनी दूर से बुलाया है। कोई मंत्र तंत्र करके उसे यहाँ से भगाएगा या तुझे यहाँ से ऊपर भेज दूँ। अरे पागल गधों, एक आत्मा ने तो तुम सब की पैंट गीली कर दी है। अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो दो दो आत्माएं डांस करेंगी, फिर क्या होगा? कुछ भी करके उस आत्मा को बंदी बना लीजिए। नींबू का रस लेने गया रस, पहले आत्मा को ढूंढिए, जल्दी करिए। ओम भीम भस नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस। क्लीन फाइट। नींबू का रस। अरे मैं कहाँ गया फंस? नींबू का रस। ओ नींबू, नींबू का रस। तेरे पास ही खड़ी हूँ, तेरे पास ही। नींबू का रस, नींबू के रस से पकड़ेगा। मिली क्या था? मिली और चली गई। वहाँ नहीं रे, मैं यहाँ हूँ। मुझे पकड़ने के लिए आया था? निचोड़ दूंगी, कुचल दूंगी, नींबू से तेरा जूस निकाल दूंगी। आ जा। कहाँ फंस गया बाबा? ये क्या, आप तो कह रहे थे भूत को भगाएंगे, आप खुद ही भाग रहे हैं। बच्चा, थोड़ा नींबू का रस लेकर आओ। क्यों? आओ ना। आपके बैग में नींबू है ना, निचोड़ कर पी लीजिए। क्या क्राइम किया है तुमने? तुझे वो सब क्यों जानना है? पहले उसे बंदी बना। कैसे बंदी बनाऊं? वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, बदले की आग में भटक रही एक बच्ची की आत्मा है। मैंने उसे माया समझा, पर वो माया भी है। तुम सबकी फीस नहीं चाहिए। मैं तो बाबा। उस आत्मा को बंदी बनाने वाला कहाँ है बता? चल जल्दी बता, वरना मार दूंगा। वो काली शक्तियों में महान है और तंत्र विद्याओं का ज्ञानी है। वही है, वही है भदौरी नाथ अघोरा। वो कहाँ मिलेगा बता? ऐसा क्या देख रहे हो? यहाँ से आगे जीप नहीं जाएगी, चल के जाना पड़ेगा। चलिए चलिए, सिटी में रहने से तो अच्छा है जंगल में रहते हैं। तो फिर रह जाओ यहीं पर। नहीं नहीं, जाने दीजिए। और कितनी दूर है? कहाँ है वो अघोरा?
अगोरा मेरा फ्रेंड थोड़ी ना है जो पड़ोस में रहता है, जंगल में रहता है, ढूंढना तो पड़ेगा। चलिए। और आपने ये प्रिंटेड लाल शर्ट क्यों पहना है? मैंने सुना है शेर को प्रिंटेड शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, खा जाएगा आपको। शेर है? पता नहीं। अरे बाप रे, मेरी तो सांस फूल रही है। क्या हुआ? तुम लोग जाओ, अघोरा को यहाँ लेके आओ। कैसे लेकर आएंगे? जरूरत आपके मेहनत हमसे करवा रहे हैं। जा लेके आओ उसे। गुस्से से नहीं, प्यार से कहिए। पता नहीं वो बच्ची भूत कहाँ से आके टपकेगी, मुझे तो डर लग रहा है। सर, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वहीं से आ रहे हैं हम लोग। आजकल आपको कुछ भी याद नहीं रहता। चलिए चलिए इस तरफ। मुझे तो यही जगह लगती है। अब क्या होगा? इस अघोरा को देखेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अघोरा सर, अघोरा सर, तीनों को मार दिया। एक और की तलाश में है। उन तीनों में से एक मासूम बच्ची थी, मासूमियत को मार डाला। अब वो बदले की आग में जल रही है, तेरा पीछा करेगी और तुझे मारेगी भी। कुछ कीजिए अघोरा, आप उसे बंदी बनाकर हमें मुक्ति दिलाइए। लेकिन वो काम मैं क्यों करूंगा? आपको जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा, बोलिए कितना चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी राख और कपड़ा चाहिए। यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। मुझे देगा क्या? ये लीजिए। मुझे एक किलो चाहिए। अघोरा, ये पूरी दुनिया का सबसे दुर्लभ और महंगा नशा है। एक केजी चाहिए आपको? करोड़ों में होगा यार। सर, आपके पास तो बहुत सारा माल है ना, मान जाइए ना सर, मान जाइए। देगा या नहीं? दूंगा, जरूर दूंगा, पर पहले मेरा काम कर दीजिए, उसके बाद जरूर दूंगा। आत्मा संचारित करने वाली जगह कहाँ है? शक्ति से 10 लोगों का भला नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इसे बचाकर बुरा मत कर। इसने क्या किया जानते हो? जानते हो? मेरे खुशहाल परिवार का सर्वनाश कर दिया, मेरे माँ पापा को मार दिया, मुझे प्रेत बना दिया, मेरी बहन को अनाथ बना दिया। अगर ये अच्छा होता तो इस पापी को छोड़ भी देती, लेकिन ये हैवान है, जीने नहीं दूंगी, इसे जीने नहीं दूंगी। तू कद में छोटी है, आवाज में बड़ी। तुम्हें मेरी उम्र नहीं बल्कि मुझ में जलने वाला बदला देखना चाहिए। हा
बाबा, उम्र से तो तू छोटी है लेकिन गुस्सा बहुत है। अपनी बचकानी हरकतें छोड़ और मेरी मंत्र शक्ति का आवाहन कर। कर मुझे बंदी बनाना तेरे बस में नहीं है, बस में नहीं है। नमस् चंडिकाय, बला 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 बला, ओम फट स्वाहा स्वाहा। नमस् चंडिकाय, बला 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 बला, आवाहा, ओम फट स्वाहा। आह्वान कर, आह्वान कर। तेरी मंत्र माया मेरे आगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या? मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे धमकी देगी। सोचा था मासूम बच्ची पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, छोटी सी जान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तूने मुझे गलत साबित कर दिया। ओम नमः आत्मा वशीकरणी अनिखिम वशिम कुरु कुरु स्वाहा, अनिखिम वशिम कुरु कुरु स्वाहा। बला 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 बला। अनुखिम वशीम वशी करणी, अनुखिम वशीम। निर्जनम, निर्मानुष्य, जो जगह मनुष्य की नजर में ना आए उस जंगल में जाकर परित्याग करेंगे। चलो जल्दी। ए, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। लाओ। अगोरा, पर ये वेनेला। हाँ, अब वो इसी जंगल में रहेगी, डरो मत, चलो। मदद करने वाली मेरी मम्मी पापा को बेरहमी से मार डाला, मासूम बच्ची हूँ तब भी मुझे मार डाला, अब मेरी बहन को भी मारना चाहता है। अन्याय, अधर्म, दुष्कर्म, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, भगवान उन्हें सजा देंगे,
तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। साथ ही अपने लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग भी बताइए गुरुजी। क्या लक्ष्य है, क्या है वो? मेरी बहन को उससे बचाना है, हमें मानने वाले से बदला लेना है गुरुजी। ये इतना आसान नहीं है। तुम एक आत्मा हो, बिना शरीर वाली हो। तुम भ्रमित कर सकती हो, डरा सकती हो, लेकिन बलि नहीं ले सकती हो। अपने लक्ष्य को पाना है तो तुम्हें शरीर नाम का वाहन चाहिए। दीदी माँ, सिरी, गुरुजी, मुसीबत डाली। गुरुजी, मेरी बहन को क्या हुआ है गुरुजी? इसके इस हाल की वजह तुम हो। एक शरीर में आत्मा जगी रहती है और दूसरी आत्मा उसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बहुत हानिकारक होता है। वेनेला की आत्मा सिरी के शरीर में प्रवेश करेगी तो सिरी का शरीर दुख से खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोबारा सिरी के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश मत करना। कैसे रोक पाऊंगी खुद को? मेरी बहन को अनाथ बनाने वाले को छोड़ दूं क्या? इतनी आसानी से हमें मानने वाले को भूल जाऊं क्या? हाँ गुरुजी, उन्हें छोड़ना सही नहीं है। हाँ ये सच है, लेकिन सिरी की जान बचाना भी जरूरी है। जीवात्मा से भरे हुए एक शरीर में एक प्रेतात्मा को प्रवेश करवाने के लिए कुछ आवश्यक विधियां हैं। क्या है वो गुरुजी? सिरी की आत्मा को समाधि स्थिति में यानी स्लीपिंग मोड में ले जाना होगा। उसके बाद प्रेतात्मा को सिरी के शरीर में प्रवेश करवाना होगा। उसके लिए वक्त लगेगा। सिरी को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए अष्टांग योग शास्त्र में बताए गए प्राणायाम प्रक्रिया के जरिए धारण शक्ति को पाकर समाधि स्थिति को लेकर प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस को कर पाएंगे तो शरीर के अंदर की आत्मा को सुला सकते हैं। पर शरीर को इस स्थिति में परिमित समय तक ही रख सकते हैं। वो समय खत्म होने पर भौतिक शरीर वापस अपने इंद्रियों को पा लेता है। ये होने तक वेनेला की आत्मा को सिरी के शरीर को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सिरी को तकलीफ होगी। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए थोड़ा समय लगेगा। मुख्य रूप से तुम्हें सुनना होगा, समय के आने तक तुम्हें इसे सहना होगा। अपनी बहन की खुशी के लिए हमेशा इंतजार करूंगी गुरुजी। मेघा, इस जिम्मेदारी से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा। कर्म सिद्धांत को जानती हो ना? अब तुम जो कर्म करने जा रही हो वो कई और कर्मों का रास्ता खोलेगी। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार हो ना तुम? मैं तैयार हूं गुरुजी। मेघा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिरी और वेनेला दोनों की आत्माओं की होगी। एक बात याद रखना, ये तावीज जब तक तुम्हारे पास है सिर्फ तभी तक तुम वेनेला को देख सकती हो। सिरी और वेनेला की आत्माएं तुम्हारे पास है ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये ध्यान रखना। अरे सिरी, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों बैठी हो? दीदी माँ, मुझे क्या हुआ है, सडनली आंखें घूम रही हैं मेरी और फिर चक्कर आने लगता है। हमेशा कंफ्यूजन जैसा लगता है। कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक से खाना नहीं खाओगी तो चक्कर आएंगे और गिर जाओगी। कल से मैं तुम्हें योगा और स्विमिंग सिखाऊंगी, ठीक है? तब तुम हैप्पी और हेल्दी रहोगी। योगा करने से खुशी मिलती है दीदी माँ। तब तक तुम टीवी देखो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, Thank you.
क्या कर रहे हो? दीदी माँ, मुझे ये बॉटल बहुत पसंद आई। इस बॉटल को अपनी उंगलियों से टच करने के बाद किसी ने मुझे भी टच किया ऐसा लगा। ये सब तुम्हारा भ्रम है। ये बॉटल मेरे रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बॉटल का ध्यान ठीक से रखना और इसका कैप बिल्कुल मत निकालना। ठीक है दीदी माँ। चलो नहलाती हूँ। आ जाओ। कम। क्या हुआ, हमें अचानक मंदिर लेकर आ गए? मुसीबत आने पर, डर लगने पर ऑटोमेटिकली भगवान ही याद आते हैं ना। क्या मुसीबत? मुसीबत नहीं, डर। मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु। नमस्ते भाई। खाली हाथ आए हो या कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेकर आए हो? पूरा इलाका छान मारा भाई, सीरी कहीं नहीं मिली। अब क्यों मिलेगी वो? अब क्यों मिलेगी? हाँ, बलात्कारियों और मर्डरर जैसी तो शक्लें हैं तुम सबकी। ऐसी शक्लें लेकर सबको पूछोगे तो कैसे बताएगा कोई भी? मेरी बात मानिए सर, बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है, दिमाग भी होना चाहिए। पुराने फिल्मों में दिखाते थे फोटो लेकर घूमना, वैसे मत ढूंढो। ट्रेंड को फॉलो करो और टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। सीधी भाषा में समझाना। फोन मुझे दीजिए, मैं समझाता हूँ। लाइए। अब देखिए भाई, सीरी मिल गई है, इस पे लिखे नंबर पर फोन करने को। तेरी ऐसी की तैसी, वो अपने सर का नंबर है, जरा ठीक से देख। गलती हो गई। अरे फोन बाद में करना। सर, ये पोस्ट फेसबुक और व्हाट्सएप पे हवा की तरह फैलाना चाहिए। लड़की को जिसने भी देखा समझिए आपको फोन आ गया। प्लान तो जबरदस्त है। सिर्फ एप्पल खाओ मैं। चलो रे। कोई भी बच्चा सोता है तो टेडी बेयर या पिलो को पास रखकर सोता है, पर ये तो बॉटल पकड़कर सो रही है। इस बॉटल को बाहर ही फेंकना पड़ेगा। बॉटल कहाँ चली गई? यहीं पर ही तो रखी थी। कहाँ होगी? यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। उस बॉटल का क्या हुआ होगा? पुराने पेपर्स दीजिए, पुराने सामान खरीदेंगे। पेपर्स। भैया रुको। ये लो बेटा। ये क्या है? पैसा है बेटा, पैसा है। कम है, मुझे और चाहिए। अरे बेटा, तुमने अपने जमीन के पेपर्स नहीं दिए, पुराने पेपर्स दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये लो बेटा, 50 रुपया।
खाली बोतल का 50 रुपीस दे रहे हो? 50 रुपए में तो फुल बोतल मिलती है। चलो ठीक है, अब जाओ बेटा, सुबह सुबह मुझे धंधा करने दो। पेपर्स सर। क्या हुआ, लड़के मिले कि नहीं? नहीं भाई। तब उसे पकड़ के मारने नहीं हुआ और अब ढूंढ भी नहीं पा रहे हो तो तुम लोग यहाँ पर क्यों क्यों हो? रुक जाइए, सिरी की वजह से इनको क्यों मार रहे हैं आप? हेलो, कौन है? मैं सिरी का इलाज करने वाला डॉक्टर बोल रहा हूँ। अभी व्हाट्सएप पर मैंने एक पोस्ट देखा, सिरी जब मेरे पास आई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसे कैंसर कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे हुआ, मेरे आदमी आपको समझा देंगे। अच्छी बात है। अरे जेमिनी, तू जीनियस है यार। सोशल मीडिया वाला प्लान सुपर हिट हो गया। ए, तुम लोग इस डॉक्टर के पास जाओ और डिटेल्स लेकर आओ। हाँ भैया। और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना। नहीं, 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 चलो जाओ। अरे जरा दाढ़ी बना के जाना। ए जेमिनी, वो कहाँ है पता चलते ही सारी जायदाद को कैश में बदल कर मलेशिया बैंक में डिपॉजिट करना, कल उसे मारना और फिर फ्लाइट में उड़ जाना, सब अच्छी तरह होना चाहिए। ओके सर। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटी, इधर आ बैठो। देखो ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठो, मेरा अनुसरण करते हुए अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाओ। एक खुशहाल प्रकृति में दिखने वाली वेनिला बहुत शांति से रहेगी। इसी वेनिला को स्मशान में समाधि की दीवार में देखोगे तो काफी भयंकर दिखेगी। अब इस बोतल में शांति से रहने वाली वेनिला बाहर आकर रौद्र रूप धारण करेगी, हदें पार कर देगी। ऐसा ना हो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मेघा। बिना किसी कमी के कोशिश करूंगी गुरुजी, सिरी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगी। गुरुजी, हेलो भाई, उस डॉक्टर को दो लगाया ना तो उसका पता बताया। कोई मेघा बोल रहा था भाई, अभी वो उसी के साथ है। सिरी और उसके साथ रहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कल सुबह मेरे फोन पर अलार्म का टोन नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर सुनाई देनी चाहिए। ठीक है भाई। ए, गाड़ी का एड्रेस निकालो। मैं कहां से निकालूंगा, लड़की का एड्रेस मिल गया है ना, अब रातों रात एड्रेस थोड़ी बदल जाएगा, या लड़की को पता चल गया और वो भाग जाएगी। अरे ऐसी बात नहीं है। हाँ भैया, घूम घूम कर ना पैरों में दर्द हो रहा है बहुत, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं भैया। अगर भाई को पता चला तो? उसे कौन बताएगा, तू बताएगा या मैं खुद जाके बताऊंगा? कल सुबह तक लड़की के मौत की खबर मिल जाए तो भैया खुश हो जाएंगे। ठीक है, आराम करके सुबह चलेंगे, चलो। ठीक है।
बचाओ बचाओ। यह PTIM बॉडी थर्मल इमेज मशीन सिरी को होने वाली बॉडी डैमेज की इंटेंसिटी को इस मॉनिटर में देख पाओगी। मामा जी गुलाब जामुन बहुत अच्छा है। ए, कौन है तू? आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। कौन है तू? मैं हूँ मामा जी, मैं हूँ। मैं यानी? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है क्या? तेरे जीवन की मृत्यु हूँ मैं। सिरी, घाव काफी गहरा है, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। अब तो खतरे से बाहर है ना डॉक्टर? डोंट वरी, शी इज ओके नाउ। घाव भरने तक रेस्ट ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। सर दो दिन से विदेश जाने की हम तैयारी कर रहे हैं और आप किताब लेकर बैठ रहे हैं। आप जंगल में किताब क्यों पढ़ रहे हैं सर? जमीनी, तुझे कभी डर लगता है क्या? डर लगता है लेकिन दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई दिया, वेनेला के रूप में। क्या? हाँ, वो वापस लौट आई है, किसी ने छुड़ाया है उसे। 100 टन की लॉरी 100 की स्पीड से अचानक ब्रेक लगाएगी तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा, जान हथेली पे आ जाएगी। उसे देख के मुझे ऐसा ही लगा यार। इस बार तो किसी तरह से बच गया, अगर वो फिर से आई तो क्या होगा? अरे सर, अगर जंगल का बब्बर शेर सुकर कांडी हो जाता है तो राह चलता कुत्ता भी भौंककर उसे शांत कर देता है। अगर आप इस तरह से डरते रहोगे तो चूहा भी आपको डरा देगा। अच्छा,
तो फिर अब क्या करें? इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो अघोरा भी अकेला ही है। तुम तुरंत उसे लेकर जाओ। उसे तो मैं लेकर जाऊंगा सर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी कितनी पॉश ऑफिस है वो छोड़कर आप यहाँ बैठे हैं। ये फैक्ट्री लोकेशन छोड़िए सर, चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए सर। ये जगह तो बहुत ही डरावनी लग रही है। हाँ यार, पता नहीं हमारा अघोरा कहाँ है। अघोरा, ए कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? बताओ हमारे अघोरा जी कहाँ पर हैं? कौन से अघोरा? रोजाना योग निद्रा में रहने वाले निद्रा में डुबकी लगा रहे हैं। तुमने जिस नशे का उन्हें आदि बनाया ना, वही चीजें शहर लेने गए हैं वो। वो शहर गए हैं? अरे बाप रे, अब क्या करें? चलो चलकर ढूंढते हैं उन्हें। हाँ चलिए। भैया कल तक तो हम सिरी को ढूंढ रहे थे, अब अघोरा को हम कहाँ से ढूंढेंगे भैया? अब वो ड्रग्स लेकर किसी फ्लाईओवर या रेलवे स्टेशन के नीचे पड़े होंगे। ऐसी गंदी जगहों पर मैं नहीं जाने वाला हूँ, पर क्या करें। चलो मुझे फॉलो करो। चलो। कौन है ये बिना बालों की सुंदरी? वस्त्र तो खूबसूरत हैं, बला की सुंदरी है ये। निर्वस्त्र सुंदरी। अच्छी है अच्छी है। ये तो मेरी है। अरे रुको ना। दिन दहाड़े अंधेरा छा गया, कितना अजीब है। सर तू आ गया? मर गए सर। ये क्या कर रहा है? हाँ वो मर गया सर। वो क्या है ना, ड्रग्स का डोज ज्यादा हो गया था। अभी उसकी समाधि के ऊपर फ्लावर रखकर, उसकी समाधि के नीचे गांजा रखकर हम आ रहे हैं सर। बेचारा वो साधु 100 साल भी नहीं जिया, टपक गया। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में अघोरा ने मचाई हलचल। चलते रास्ते में पुलिस ने पकड़ा, पुलिस को परेशान कर रहा है अघोरा। तेरी तो हमेशा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। एक घंटे के अंदर आता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलो रे, जल्दी चलो ढूंढते। सर देखिए लेकर आ गए। सर देखिए, आइए घोरा, आप ही का इंतजार कर रहा था। अघोरा वो वापस लौट आई है। वो बंधन से निकल चुकी है, किसी ने उसकी मदद की है। अब वो अपनी जुड़वा बहन के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब दोनों बहनें एक साथ मिलकर तुम पर वार कर रही हैं। लेकिन मेरे दिए हुए इस रक्षा कवच ने उस आत्मा को रोक दिया। अब वो दूसरा मौका ढूंढ रही है। एक आत्मा का गुस्सा और उसके बदले की आग, दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। वो जहां रहते हैं मौत का तांडव मचा देते हैं, इसलिए वो लौट कर आएगी। उसे रोक नहीं सकते क्या? शाश्वत बंधन एक ही रास्ता है। तो फिर वैसा ही करके उसे बंदी बनाइए घोरा। ये काम इतना भी आसान नहीं है। कई दिनों तक दिग्बंधन में रहकर मुक्ति के लिए इंतजार कर करके वो बाहर आई है। अब उसका गुस्सा आकाश जितना अनंत है, उसके बदले की भावना प्रलय जितना भयंकर है। अब उसे अधीन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। नशीले पदार्थों का गुलाम बनकर अपनी बुद्धि को कठोर साधना से पाने वाले मंत्र तंत्र शुद्र शक्तियों को मैंने खो दिया। अगर दोबारा मैंने उस शक्ति को पा लिया तो ही उस आत्मा को बंदी बना पाऊंगा। उसके लिए जो चाहिए उसका प्रबंध करो। प्रबंध करेंगे। हे, सुना ना, सारी चीजों का प्रबंध करो। जब तक मेरी शक्तियां नहीं आ जाती, मुझे वो सिरी यहाँ बंदी के तौर पर चाहिए। हाँ, हे, लेकर आओ। हाँ, चलो रे। चलो, 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 चलो। गुरुजी। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पर मेरी बात को अनसुना कर दिया। देख लिया ना, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी बहन के लिए श्राप बन चुका है। तुम्हारा आक्रोश ही तुम्हारी बहन को मुसीबत में डाल दिया है।
बदला लेना तो ठीक है, लेकिन प्राण सबसे कीमती होता है। अपने बदले के लिए तुमने सिरी की जान को खतरे में डाल दिया। हद से ज्यादा बोझ सिरी पर डालकर बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने। हाँ गुरुजी, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने न्याय के लिए मदद तो की, पर वेनेला के इस आक्रोश के लिए सिरी की बलि चढ़ेगी नहीं सोची थी। वेनेला तुम्हें रोकने पर भी बिना रुके चली गई। बदले की आड़ में तुम सिरी के शरीर में हो ये बात भूलकर सिरी को खतरे में डाल दिया। एक बार सोचो वेनेला, जीवित रहने वाली सिरी का भविष्य जरूरी है या जान लेने वाला तुम्हारा बदला जरूरी है? शरीर में रहने वाले शिव हैं, वो बाहर निकले तो शव बन जाते हैं। अपनी बहन को कैसे देखना चाहती हो? ऐसा मत बोलिए गुरुजी, मेरे लिए मेरी बहन बहुत जरूरी है गुरुजी। मेरे बदले की बलि मेरी बहन चढ़ रही है। मैंने जो कुछ भी किया पाप है। मैं तो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आई थी और अब मैं ही उसके लिए खतरा बन गई हूँ। मुझे ऐसा बदला नहीं चाहिए। अब आगे से सीरी के शरीर से क्या मैं उसकी परछाई से भी दूर रहूंगी। उठाओ उसे, आ जा, चल आ जा, चल। दीदी, गुरुजी। शैलू, दीदी, सीरी को कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। गुरुजी, मेघा, वो वापस लौट आया है। अपनी खोई शक्तियों को वापस पा रहा है। कौन गुरुजी? अघोरा। ओम ह्रीम क्रीम फट। वो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अगर उसकी कोशिश सफल हो गई तो वेनेला को हमेशा के लिए बंदी बना देगा और सिरी को भी जान से मार डालेगा। ओम ह्रीम क्लीम रम, ओम ह्रीम क्लीम रम। मैं पुनर्शक्ति का आह्वान करता हूँ, पुनर्शक्ति का आह्वान करता हूँ, पुनर्शक्ति का आह्वान करता हूँ। तो अब हम क्या करें गुरुजी? अब हमें आधारित रहने के लिए मानवातीत शक्तियों का नहीं बल्कि मानव शक्ति पर आधारित रहना होगा। ये तुम्हें करना होगा। मैं कैसे करूंगी गुरुजी? जानवर भी अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि वो ममता में रहने वाला निडरता और त्याग होता है। इसीलिए भगवान ने सिर्फ देवताओं को अमृत देकर इंसानों को ममता दी है। जन्म दिए बगैर तुम सिरी की मां बन चुकी हो। इस वक्त सिरी की जान मुसीबत में है। अब बताओ, ये कर पाओगी या नहीं? जाती हूं गुरुजी, जाकर अपनी सिरी को बचा लूंगी। ठहरो, याद रखना, उसे फिर से शक्तियों को पाने से रोकना होगा। उसके लिए युक्ति चाहिए। अगर हालात हद से बाहर हुए तो शक्ति चाहिए। युक्ति शक्ति दोनों जहां होते हैं वहां जरूर विजय प्राप्ति होती है। विजय भाई, सिरी अंदर लेके जाओ और बंदी बना दे। चल छोड़ो, चल छोड़ो मुझे। ओम मात्य नमः, ओम चंडी चंडिकाय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम ओम फट। ओम देव्याय नमः, वंदे वामाचा अधिदेवता, वंदे तंत्राग्नि ज्वालामुखी, स्वाहा स्वाहा। ओम फट सर्वाग्यमने अस्त्राय फट फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ये कैसे हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये सारी खोपड़ियां रखी, उनसे पूछिए। अमुखीम वश्यम, अमुखीम वश्यम, अमुखीम
मुखीम, मंत्र स्मरण के लिए मन साथ नहीं दे रहा, मंत्र पुनः याद करने के लिए बुद्धि साथ नहीं दे रही। अरे बाप रे, मंत्रोच्चारण के लिए जिह्वा साथ नहीं दे रही, आखिर ये कैसी माया है? याद नहीं आ रहे हैं, मंत्र भूल चुके हो आप? ड्रग्स ज्यादा हो गए या कम हो गए? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपकी वजह से हमारी जान जाएगी। जान जाने से पहले कुछ तो कीजिए बाबा। अपना मुंह बंद रख। छोटी पिशाचनी, तू मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? क्यों रे, मुझे फिर से बंदी बनाने आया है? इस बार तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। ओहो, तो ये तेरा काम है? तुमने अपने धर्म के विरुद्ध किसी की भी मदद नहीं की है। अब तेरा कोई भी मंत्र नहीं चलेगा, कोई भी तंत्र नहीं चलेगा। मुझे बंदी बनाना तो भूल जा, अगर तू यहाँ रुका तो मेरे हाथों मारा जाएगा। चला जा, चला जा। भाग ले गोरा, इस बच्ची की आत्मा मामूली नहीं है, इसे कोई वश में नहीं कर सकता। जाओ उसे भी लेकर आओ। चलना सरी, सरी को छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं इसे, बोल। ये मेरी लकी ड्रॉ जैसी है, छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ में लक कैसे रहेगा? किक भी नहीं मिलेगा। वैसे छोटी मछली के लिए जाल फेंका तो उसके साथ इतनी सुंदर और बड़ी मछली भी फंस गई। ए, दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, समाधि में दफनाना तो पड़ता ही है, और मैं दफनाऊंगा। मदद करने वालों को तो मार दिया, कम से कम इस बच्ची को तो छोड़ दो। छी, शर्म नहीं आती? छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो ना। ना छोड़ूंगा, दोनों को मार के यही समाधि में दफना दूं। ऐसा ही है मेरा कैरेक्टर, साथ खेले साथ में पले बढ़े, पर उसने मुझ पे भरोसा किया, इसमें मेरी नहीं उसकी गलती है। तो बताओ, तुम ही बताओ, इसमें मेरी गलती नहीं है ना? हाँ है तो बताओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
छोड़ दो, मैं जिंदगी में कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो तुझे, छोड़ दो, छोड़ दो तुझे। मेरे मम्मी पापा ने भी तुझ पापे के सामने बहुत हाथ जोड़े थे, हम सबने तेरे सामने हाथ जोड़े थे, हमें छोड़ दिया था क्या? तो जैसे लोग जिंदा रहे तो बहुत सारे अच्छे लोगों की मौत हो जाएगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगी, मत मारो, मत बचा दूंगी। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ देती हूँ, जा छोड़ दो, तुझे छोड़ देती हूँ, छोड़ देती हूँ, छोड़ देती हूँ, नर्क में ले जाकर तुझे छोड़ देती हूँ। जा पा रही हूँ, पर जाना पड़ेगा। दीदी माँ, मेरी बहन को माँ जैसा प्यार करने के लिए थैंक्स। अब मैं खुशी खुशी जा रही हूँ, बाय। दीदी माँ, किसको बाय कर रही हो? दीदी माँ, दीदी माँ, दीदी माँ नहीं, माँ का। क्या माँ? चलो।